अगर आप भी अपनी ट्रिप अगली अमृतसर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हमने इस वीडियो में बताया है कि कहाँ से आप सस्ते में और अच्छी क्वालिटी की वहाँ की फेमस फुलकारी की चीजें जैसे कि दुपट्टा, साड़ी, सूट्स खरीद सकते हैं। साथ साथ पंजाब गए और वहाँ की जूतियाँ ना खरीदी तो फिर क्या किया, तो उसके लिए भी हमने वहाँ का सबसे फेमस मार्केट और सबसे अच्छी शॉप डिस्कवर करी और आप तक लेकर के आए हैं सारी जानकारी। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं अमृतसर की फुलकारी और जूती की सबसे फेमस मार्केट। पंजाब आए और यहाँ की फुलकारी कलेक्शन को नहीं देखा तो क्या किया, तो आज हम आ गए हैं इस फुलकारी डिजाइन को एक्सप्लोर करने के लिए कि आखिर इन दुपट्टों की इतनी डिमांड क्यों होती है और खास तौर पर अमृतसर के ये फुलकारी दुपट्टे जो है ये वर्ल्ड वाइड इतने फेमस क्यों है, तो ये फुलकारी डिजाइन इसकी खासियत क्या होती है। ये खासियत तो मैंने आपको बता दी कि जो हमारी दादी परदादी है ना, शुरू से हाथ से निकाला करती थी, वो शगनों पे जैसे लड़की का तेल चढ़ाना, लड़की की शादी है, ठीक है ना, लड़के की शादी है उसके ऊपर शगनों की तरफ से दिया जाता है, ये शगन होता है फुलकारी का। तो हमें कुछ वैरायटी दिखाइए। हाँ हाँ, ये मशीन के हैं। तो मशीन और हाथ वाले में फर्क क्या होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मशीन के ऊपर हाथ का काम आएगा, ये ऊपर हैंड वर्क कर दिया है, नीचे मशीन का काम है। अच्छा, तो ये मिक्स है, ये मिक्स अप है। अच्छा, ठीक है। तो पहले सिर्फ लेकिन हैंडवर्क होता था, अभी मशीन का भी आ गया है। हाँ, ऐसे है ना कि हैंडवर्क जो होता है वो उसमें काफी कॉस्टली आ जाता है। काफी कॉस्टली, तो कोई हैंडवर्क का पीस ये हैंडवर्क का भाग है। वाह वाह वाह, हैंडवर्क का भाग, फुलकारी मतलब। इसको हम दिखाएंगे, ये सुई का टांका होता है, ये सुई का हाथों से, ये मशीन का काम है, ठीक है, इसको भी हम दिखाएंगे। ये मशीन का काम है और ये हैंडवर्क है, सुई का टांका, इसमें इसके धागे का भी फर्क होता है। धागे का भी ये फर्क, ये पट का रेशम है, ये छह तंद का होता है। अच्छा, जो छह तंद से वो सुई से निकाल के निकालते इसको पूरा हैंड वर्क करते। जय देखो, इसमें भी काफी डिजाइन आते हैं, काफी डिजाइन आते हैं, काफी कलर्स आते हैं। लेकिन ब्राइड्स तो रेडी आई एम श्योर ज्यादा प्रेफर करती होंगी। इस सीजन जो है सबसे ज्यादा क्या ट्रेंड में चल रहा है? ट्रेंड में ऐसा, वेडिंग सीजन पे तो फुलकारी चलती है वैसे। अच्छा। आजकल तो ऑल ओवर इंडिया में फुलकारी चल रही है, हैदराबाद, बॉम्बे से, लखनऊ से, बरेली, यहाँ से भी कस्टमर आता है, फुलकारी जरूर लेके जाता है। सबके बजट में आ जाएगा, अगर आपका बजट कम है हर तरह का, 150 से 100 से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है और ऊपर की कोई रेंज नहीं, कोई रेंज ही नहीं है, जैसे मर्जी हैंडवर्क प्योर में जैसे भी चाहिए मिल जाएगा, मिल जाएगा, हर तरह की आइटम मिलेगी। Very nice. तो आई एम श्योर जितनी भी ब्राइड्स हैं इसमें बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो फुलकारी का दुपट्टा जो है, अपनी इंडियन एम्ब्रॉयडरी को जो है हम ना भूलें और इन सभी चीज़ों को जो है ज़िंदा रखें। और ख़ास तौर पर आपको मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप मशीन को अवॉइड करें और जो पिंड में बैठी औरतें हैं जो दिन रात लग कर इन बागों को जो है बनाती हैं खूबसूरत लड़कियों को बनाने के लिए, तो आप जो है हैंडवर्क की चीज़ें ही लें। वेल, मेरे पीछे जुतियाँ देख कर तो आप समझ ही गए होंगे कि अमृतसर आए हैं जुतियाँ लिए कैसे जा सकते हैं। वेल, आज हम सिर्फ जुतियाँ ही नहीं लेंगे बल्कि जानेंगे कि जुतियों की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई, पंजाब की जुतियाँ जो हैं वो असल में क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये पंजाब में जो ये जुतियाँ हैं ये इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हैं? एक्चुअली ये मैम, ये ट्रेडिशनल पंजाबी जूती है ये, ठीक है, ट्रेडिशनल पंजाबी जूती है ये। पहले जो हमारी लेडीज़ पहनती थी तो ये बहुत फेमस थी। अच्छा। जैसे पटियाला सलवार हो गया। हाँ। और प्लाजो के साथ भी लोग इसको वेयर करते थे। आजकल तो इतनी डिजाइनिंग आ गई है इसकी, तो लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हो, लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हो, कोई भी हैवी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो। तो ये जुतियों की असलियत में पंजाब में जो है ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये जुतियाँ जो है बनाई जाती है, कहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है, ओरिजिन कहाँ से हुआ इनका? जो मेन जो है पंजाबी जूती मूव में पटियाला की होती है असली, पटियाला की, वहाँ से ही चला है, फिर सारे पंजाब में फैल गया, धीरे फैल गया। वेल, इसकी एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो क्या ये हाथों से बनाई जाती है, इसका मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? ये जो मैम सारी हैंडमेड जूती है, सारी हैंडमेड होती है। ये अच्छा। देखो ये सारा स्टिच है, ये नीचे सारा हाथ से स्टिच किया हुआ है। अच्छा। जेन्युइन लेदर है और स्लिप नहीं करता ये। जैसे ये है, ये आएगा फुलकारी वर्क,
अच्छा, इसको हम बोलते हैं फुलकारी। तो फुलकारी जो है जनरली दुपट्टों में ज्यादा चलती है, अब जुतियों में भी आने लगी है। जुतियों में भी आती है, लेडीज जैसे मांगती हैं मुझे मैचिंग चाहिए दुपट्टे के साथ, चाहिए दुपट्टे के साथ मैचिंग करने के लिए, मल्टी कलर है जो हर चीज के साथ जो है वो चल जाए, हर चीज के साथ चले। ठीक है, अभी ब्राइडल सीजन आ रहा है, ब्राइड्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे एक ही आते हैं ब्राइडल्स में, अच्छा, क्योंकि ब्राइड्स को थोड़ी हील चाहिए होती है, हील्स में ये चलती है। जितनी भी ब्राइड्स हैं अगर वो थोड़ा प्रॉपर जुतियों को नहीं पहनना चाहती है तो ये म्यूल्स को जो है ये काफी कंफर्टेबल होती है। ये आता है जेंट्स में तिला वर्क। वाह, तो ये जेंट्स के लिए भी शादी के लिए जुतियां जो है जैसे शेरवानी के साथ, शेरवानी के साथ और पठानी सूट के साथ वेयर कर सकते हैं। भाई आजकल क्लासिक वेयर भी आने लगा ना, जो सिंपल थोड़ा सिंपल में नॉर्मल वेयर में भी पहन सकते सिंपल हैं। सिंपल दिखा सिंपल। और इनकी कॉस्ट रेंज क्या पड़ती है? ये रेंज दीदी मेरे पास 1050 से ही स्टार्ट है। 1050 से स्टार्ट है। वेडिंग का आपका जो है फुटवेयर 1000 रुपए में जो है मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये एक ऐसे आती है सिंपल, जैसे आती है ये वाली। वाह, ये क्या खूबसूरत सी चीज है, ये क्या खूबसूरत। ये जैसे वेस्टर्न ड्रेस के साथ जेंट्स के लिए, वेस्टर्न के साथ भी। और इनकी क्या कॉस्ट पड़ती है? ये मेरे पास 1450। 1450 से आपको ये आप अपने वेस्टर्न वेयर के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ये वाली जुतियाँ मेंस के लिए आपको मिल जाएगी। मेंस के लिए इसमें भी बहुत अलग अलग डिजाइन कलर जो है वो सब आपको मिल जाएगी। वही नॉर्मल वेयर देखे तो नॉर्मल जैसे एक तो ये आता है, ये देखो इसको हम बोलते हैं सिंपल जूती है, सिंपल जूती है ये मूछ वाली जूती बोलते हैं इसको, सरदारी वाली जूती भी बोलते हैं। तो ये पंजाब की टिपिकल जो है मूछ वाली जूती प्रॉपर, ये असल पंजाबी जूती है, असली पंजाबी जूती है जेंट्स। तो अगर अमृतसर आए तो ये जूतियों का कलेक्शन तो हमने आपको दिखा दिया है। बच्चे हो, लेडीज हो, मेंस हो, शादी के लिए चाहिए, नॉर्मल वेयर चाहिए, सब कुछ आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो मार्केट और शॉप आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जो ये जो हमारी शॉप पड़ती है मेन हाल बाजार है, रमाडा होटल के बिल्कुल थोड़ा सा आगे आएंगे आप। अच्छा, बिजली चौक भी बोलते हैं इसको, बाहर हमारा बोर्ड लगा है पाल जी पंजाबी जूती के तो नाम। पाल जी पंजाबी जूती जो है यहाँ पर आपको सारी वैरायटी ओरिजिनल पंजाब की ऑथेंटिक जूतियाँ जो है वो मिल जाएंगी। तो अमृतसर आइए, पटियाला की ओरिजिनल जूतियाँ अब अमृतसर से आप लेकर के जाइए। तो अब इंतजार किस बात का है, जल्दी से अपनी अमृतसर की ट्रिप प्लान करिए अगर अभी तक नहीं करी है, और यहाँ पर आ करके अपने लिए फुलकारी का दुपट्टा या फिर साड़ी जो भी आपका मन करे वो जरूर खरीदे।